आज जो झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा मेंबरशिप पार्टी के लोगों ने स्पीकर के थ्रू मेंबरशिप हमारा खत्म कर दिया है। मेंबरशिप खत्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है और हमको कोई दुख भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप खत्म किया गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं। बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा और कौन सवाल देगा, जवाब देगा? और हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है। और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चंद्रा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया और चंद्रा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ा हूं, मेरे ऊपर दल बदल का कानून का ही लोग लागू किया और ये 10th शेड्यूल में आता भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। और चंद्रा लिंडा को एक भी नोटिस भी नहीं किया गया, नोटिस तो हमको भी नहीं किया गया। अगर बजाबता ठीक है, हमसे अगर कुछ गलती हुई है पार्टी के अगेंस्ट में, कुछ हमने काम किया है, तो पहले आप पार्टी की तरफ से आपको नोटिस भेजो और नोटिस का जवाब हम देते, और जवाब देने के बाद पार्टी के अंदर में सेंट्रल कमिटी भी इसका डिसीजन होता, उसमें माननीय गुरुजी जो हमारे पार्टी के सुप्रीम में है उसका अनुमोदन होता, तब इसके बाद कुछ होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और एक तरह से हम समझते हैं ये बिल्कुल दबाव में किया गया है, पार्टी के दबाव में किया गया है, स्पीकर को दबाव दिया गया है। और आनन फानन में हमारा मेंबरशिप इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो किस बात की है? तो भाई एक आदमी को फांसी दोगे, एक आदमी को एक जरा सा चुभन भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत गलत बात है। और हम समझते थे कि आज तक जितने स्पीकर बने, सबसे कमजोर इम्पार्शियली नहीं है, अगर इम्पार्शियली होता तो इस ऐसा कदम नहीं उठाता। चलिए उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल जो है, जो जनहित का मुद्दा हमने उठाया है, हमने क्वेश्चन दिया है, उसका क्या होगा? और इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में अपील किया है और हमको लगता है कि कम से कम सदन के अंदर में जाने का मौका हमको निश्चित तौर पर मिलेगा, जो कि जनहित का मुद्दा हमने उठाया है। आज ऐसा मुद्दा है जो आज यहाँ के लोगों के लिए जो अधिकार है वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और आज यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, गैर सरकार संकल्प में हमने डाला है। पहले बार माननीय मंत्री उरांव साहब, उन्होंने जवाब दिया था कि आपका सवाल बहुत ही जर्मिन है और हम भी आदिवासी मंत्री है, हमको भी लगता है सही में आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसीलिए ये इसको हम 30-40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। प्रोसीडिंग में है अभी भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज की पैसा एक्ट लागू नहीं होगा, जिसके चलते आज यहाँ का लोगों का जमीन और लोगों का जो अपना गांव का जो अधिकार है, पंचायती गांव का जो अपना पारंपरिक व्यवस्था है, वो खत्म हो गया है। तो दुख इस बात की है। और उसके साथ साथ ये आज कहीं कहीं हल्का फुल्का बारिश हो रही, बहुत कम जगह रोपा हुआ है और आज यहाँ से किसान लोग, गरीब लोग पलायन कर रहे हैं और ये सरकार आराम से कान में तेल डालकर के सोई हुई है। आज इतने लोग पलायन कर रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेवार? और एक तरफ से सरकार कहती है कि एक मैंने 100 दिन का काम हम उसको देंगे, गांव का गांव खाली हो रहा है, कहीं खेती नहीं हुआ, अगर कहीं हुआ भी खेत में धान रोपाई भी हुआ है वो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। आश्चर्य है, किसके लिए सरकार बनी है? आज यहाँ के लोग
आज काम नहीं मिल रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, कौन रोकेगा उसको? और इधर से आप तरफ कहते हैं कि हम काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और उससे और अभी 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 आपको सुबह में खबर मिली, पाकुड़ कॉलेज, पाकुड़ जिला में पाकुड़ आदिवासी कल्याण छात्रावास पे क्या गलती थी, कौन सा गुनाह किया था, 12:30 बजे रात को पुलिस जा करके अंधाधुंध गाय बैल की तरह लोगों को पीटा गया है, जिसमें उन लोगों का नाम भी हमको बिना है, एक है सोले धन हस्ता, पीमानुष मरंडी, नीरज मुर्मू, विराम टुड्डू, जीतराम मुर्मू, सरकार मुर्मू, सोहन मुर्मू, प्रदीप बरंडी, बाबूलाल मुर्मू और सोनोद किस्कू, ये सारे लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं मानता हूँ जांच का विषय है, अगर किसी ने कुछ गलती किया भी है तो पुलिस प्रशासन एक साथ 150 की संख्या में पुलिस जाकर के वहां छात्रावास में ढूंढ करके सोए में छात्रों को पिटाया है और गाय बल के तरह पिटा है। मैं मांग करता हूँ सरकार से और डीजीपी साहब मांग करते हैं कि इसका जांच हो और उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और नहीं तो स्टूडेंट का आंदोलन इतना संभालने योग्य नहीं रहेगा। सारे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं वहां, तो आज इसका आज पुलिस क्यों इस तरह से बर्बरतापूर्ण लोगों को पिटाई किया है? अरे सर मानी चाहिए कि आपके टोपी में वहां अशोक स्तंभ है और आप लाठी से मार मार के स्टूडेंट के आदिवासी को, और यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी, मंत्री आदिवासी, सरकार आदिवासी का, और आदिवासी छात्राओं को, गरीब छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उन लोगों का भरपूर पिटाई किया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों को देखने के लिए कोई नहीं गया अभी तक हॉस्पिटल में। मैं जा रहा हूं और वहां जाऊंगा और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से और डीजीपी से हम आग्रह करते हैं कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई हो, और तो इस संथाल पर कहना जलना शुरू हो जाएगा, घोर अन्याय हुआ है। और एक तरफ किसान, यहां से गरीब मजदूर लोग भाग रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? बता रहे सरकार कि आज तक आपने कोई काम का कोई गारंटी नहीं है इसके पास, और ये झारखंड लेबर स्टेट बन गया है, लेबर सप्लाई स्टेट बन गया है। आप एक तरफ कहते हैं कि झारखंड पूरा का पूरा धनी स्टेट है, सारा चीज से संपूर्ण भरा पड़ा है, तो आज एक भी बाहर का बंधु केरल का मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता, पंजाब से मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता? तो ये क्या हो रहा है सरकार में? और सरकार को आज मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय के लिए आप सतर्क हो जाएं। आपका जो लोगों ने प्रति लोगों का जो विश्वास था, आपने सरकार बनाने के पहले आपने जो घोषणा किया था, वह नहीं घोषणा की, आपने मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा था और लोगों को जो विश्वास हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी, तो 6 महीने के अंदर में 500,000 नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, SPT Act, CNT Act को सख्ती से लागू करेंगे। आज SPT Act, CNT के रहने के चलते बाद भी यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का जमीन लुटा रहा है, लोगों को धोखा दिए हो, शराब पड़ेगा, शराब लगेगा, कोई नहीं रोक सकता, गरीबों का हाल लगता है। इसका मतलब है आप लोगों के आंख में धूल झुक करके वोट लेने का काम किए हैं, और उस समय बोलते थे कि तीर धनुष कहां गया तीर धनुष? अभी आदमी का जमीन लुटा रहा है, गरीब लोगों का जमीन लुटा रहा है, SPT एक्ट का जमीन लुटा रहा है, CNT एक्ट का जमीन लुटा रहा है, कहां चला गया आपका तीर धनुष? तीर धनुष बोल करके वोट लेते हो और अभी आदिवासी को भूल जाते रहे हो, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ही तो सबसे जाता नहीं सुना सुनेगा, लेकिन भोग रहा है ना, अभी भोग रहा। और आज आने वाले समय में बहुत कम समय में कि जनता जाग जाएगी, ये अपना समझ करके, अपना रिलेशन समझ करके, अपना समझ करके ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समझ करके इन लोगों ने वोट देने का काम किया। अभी यहाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं तो इन लोगों को पार्टी वाले लोग बोलते हैं, पक्ष वाले लोग बोलते हैं कि यही एक मात्र काम रह गया है कि यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं। अरे जाके सरजमीन में जाके देखो, मधुपुर में जमाबंदी जमीन से आदिवासियों को मारपीट के भगाया गया, FIR तक नहीं हुआ, अभी पाकुड़ बरहेट में भी वही हुआ, मारपीट के लोगों को भगाया गया,
और अभी महेशपुर में गाय जो गायबथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया और इतना मार मारा, हाथ पैर टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया और ना वहां का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरंडी गया देखने के लिए। अरे वोट के टाइम में चिल्लाते हो, हम आपका आदमी है, हम आपका आदमी है, धीर धनुष हमारा है, लेकिन अभी कहां चला गया इतना इतना आदिवासी को जमीन लुटा रहा। तो मुसलमान हावी हो रहे हैं और आदिवासी कमजोर हो रहा है। बिल्कुल हावी हुए, बिल्कुल हावी हुआ है, कौन उनको मदद करेगा? वहां का गरीब आदिवासी को जो उस जमीन का टेनेंट है, रिकॉर्डेड टेनेंट है, आज उसको कौन बचाएगा, उसका जमीन को कौन बचाएगा? शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये वोट बैंक बना रहा है, ये वोट बैंक बना रहा है कि यहाँ रोहिंग्या और घुसपैठी आ जाए, हमारा वोट बैंक बढ़े, पूरा हिंदुस्तान को तबाह एक दिन होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज एसटीपी एक्ट सीएनटी रहने के बाद भी सरकार सोई हुई है, बारे सरकार, बारे आदिवासी मुख्यमंत्री। अरे भाजपा वाला तो क्या करे, भाजपा जो सही बात बोलता है समर्थन करते हैं, आप भी बोलिएगा सही बात हम समर्थन करेंगे, गलत बात बोलिएगा उसका विरोध करेंगे। आंदोलन तो ऐसा छिड़ेगा ना सरकार को, नींद हराम हो जाएगा।